हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है धावन सोड़ा। ठीक है, तो देखिए, धोने का सोड़ा या धावन सोड़ा, तो देखिए ये हमें कैसे प्राप्त होता है, धोने का सोड़ा या धावन सोड़ा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, सोडियम भाई वो सोडियम सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल और एक बात और, जो ये मेरा होता है यह एक क्षारीय, ठीक, क्षारीय लवण होता है, यह एक क्षारकीय लवण होता है। ठीक है, जो मेरा धोने का सोडा या धावन सोडा है वह एक क्षारकीय लवण है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, ये किससे, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है। तो हमारा सोडियम कार्बोनेट का, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसको, Na2CO3। ठीक है, अब इसकी हम, ये हो गया मेरा सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया, सोडियम गाइस, जिसको भी ये कार्बोनेट वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या यहां लेंगे, जल, यानी क्रिस्टलीकरण जो उसके टुकड़े होंगे, तो यहां क्या लेंगे हम, जल लेंगे। ठीक है, तो H2O एरो, तो अब जो मेरा बन के आएगा वो क्या होगा, धावन सोडा। तो ये रिएक्शन कौन कौन कर सकता है, जो भी इस रिएक्शन को कर सकता है वो जल्दी से कमेंट में करके दिखाए, कर सकते हो आप लोग। तो देखिए यहां Na2 है, ये मेरा क्या, जल ही तो हुआ, H2O जल हुआ, तो इसका जब क्रिस्टलीकरण, तो देखिए Na2CO3 जब हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ जो H2O होंगे इसके आगे यहाँ कितना 10, यानी जो ऑक्सीजन के अणु हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन के कितने, 10 दूनी 20, तो यहाँ इनटू, यानी इस पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट 10H2O, जो ये मेरा बना है वो क्या बना है, धावन सोडा है। ये इसका केमिकल नाम होगा सोडियम, यानी रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब यहां डेका क्यों आया, डेका क्योंकि यहां ये क्या लगा, 10, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 10, 10 दूनी 10, का हाइड्रोजन के अणु हो रहे हैं 20, 10 दूनी 20, तो जब जहां 20 हाइड्रोजन होते उसे क्या बोलते, डेका, क्या बोलते, डेका, यानी डेका हाइड्रेट। और इसका जो औद्योगिक नाम है, यानी जो फैक्ट्रियों में नाम है, औद्योगिक नेम, वो क्या है, धावन सोडा, धावन सोडा, ठीक, या धोने का सोडा। ये था, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका उपयोग, क्या उपयोग, इसके उपयोग, यानी धोने के ठीक है, तो यानी इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहला, घर की साफ सफाई में, पहला कहाँ होता है उपयोग, घर की साफ सफाई में। ठीक है,
और दूसरा जल की कठोरता को दूर करने में, मतलब वही बता रहा हूं, जल की कठोरता को दूर करने में। ठीक है, अगला पॉइंट है वो होगा कांच उद्योग में, यानी कांच बनाने में, जो कांच कांच की फैक्ट्री होती है वहां में, कांच उद्योग में। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कागज साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। ठीक है, ये चार पॉइंट हैं। ये भी अगला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कौन जानता है? नहीं पता? जिसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता हो वो जल्दी से कमेंट में बताए, देखते हैं किस किस को पता है। वो केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये क्या है, केमिकल नेम है। ठीक है, हाँ मेरा जिप्सम होता है, जिप्सम, जिप्सम को 373 केल्विन, ये एक ताप है, 373 क्या है, ये एक ताप है जो मेरा जिप्सम होता है, जिप्सम को हम 373, जिप्सम कभी सुना है खेतों में डालते हुए, वही है ये, सुना होगा ना। हाँ, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जिप्सम होता है, जब उसे हम 373 केल्विन पर, वो 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या करता है, तो यह क्या करता है, जिप्सम जो जल के अणु होंगे उनका त्याग कर देगा। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है, क्या कर देता है, त्याग त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट का इसका फॉर्मूला होता है Ca(SO4)1/(1/2)), यानी हाफ एच टू ओ। ठीक है, क्या होगा, हाफ एच टू ओ, Ca(SO4)1 यानी इंटू बोलते हैं, ठीक है, यहाँ Ca(SO4)2 या ऐसे भी बोल सकते हैं Ca(SO4)2H2O, Ca(SO4)2O। ठीक है, यानी 1/2 जो जल का अणु होता है वो आधा होता है, का निर्माण करता और इसी को हम क्या कहते हैं, जिप्सम। किसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को क्या जिप्सम बोलते हैं, तो इसे या जिसे या इसे, ठीक है, इसे ही जिप्सम बोलते हैं, इसे ही प्लास्टर, वो सॉरी जिप्सम नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। हाँ, त्याग करके यानी जो जल का अणु होता है उन्हें वो छोड़ देता है ना, जिप्सम त्याग करके। हाँ, ये दो बार हो गया, सॉरी गाइस। ठीक है, त्याग करके कैल्शियम सल्फेट यानी हेमी हाइड्रेट का निर्माण करता है, और इसे ही हम हेमी हाइड्रेट को, वो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर
ऑफ पेरिस, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब आगे आप लोगों को क्या बताना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है? तो डाल लीजिए हेडिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। इसका उपयोग पता कहाँ होता है? सबसे अच्छा तो आप लोगों को पता होगा सजावट के रूप में होता है, खिलौने बनाने में और सजावट के रूप में, और कुछ वस्तुएं जैसे जिनको चिकना करा जाता है, चिकना करने के रूप में एकदम उनके ऊपर जो वो चिकनी हो जाती हैं वस्तुएं, और डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों में भी इन्हीं का उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जब वो जोड़ता है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है, तो किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, खिलौने बनाने में, सजावट करने में उपयोग, यही है। और क्या, नोट कर लो अपने हिसाब से, समझ में तो आ गया ना? अब आप लोग अपने हिसाब से नोट कर सकते हो, छोटे तो नहीं हो, बच्चे हो। हमारा सजावट का सामान होता है उनकी सतह को चिकना करने के रूप में, ठीक है? और क्या, यही उपयोग हो गए। वैसे भी दो या तीन उपयोग पूछे जाते हैं, मैंने कई सारे बता दिए। अब मेरा ये टॉपिक भी यही हुआ समाप्त, ठीक है? कल मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ।